रात को इसको बंद किया था, उन्होंने फिर से अपना दरवाजा खोल लिया है। सांप ने यहीं पे डसा या यहीं पे डसा है? तैबा के लिए बहुत सारी जो है ना दुआ करनी है लंबी जिंदगी के लिए। आज तैबा हो गए माशाल्लाह से 3 साल। हाँ, ये फेक सांप है लेकिन ये डरी नहीं है। आयत जो है ना वो डर जाती है। तैबा तूने डर दी? देख लो, एजुकेशन पर्पज के लिए मैंने ये वाला गिफ्ट जो है ना वो सिलेक्ट किया है। ये सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। हाँ, मैं क्या बहुत अड्डे से भी होके वापस आ गया हूँ। मुस्तफ़ा और नानी अम्मा ने वजू करना स्टार्ट कर दिए, मैं जाता हूँ मस्जिद, वहीं पे जाके ही वजू जमात खड़ी होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। सारे से वो ईमान सारे मुसलमान जल्दी जल्दी अपने घरों को छोड़कर बिस्तरों को छोड़कर बावजूद के मस्जिद में आकर नमाज फजर व जमात अदा करें। अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु मियराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। सारे सर्व ईमान सारे मुसलमान जल्दी जल्दी अपने घरों को छोड़कर बिस्तरों को छोड़कर बावजूद होके मस्जिद में आकर नमाज फजर व जमात अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आ गए, इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ। अभी टाइम होने वाला है लगभग 5:32। बच्चे जो है ना अभी से आना स्टार्ट हो गए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है ना अभी से आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है ना तो वो सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं। तो अभी पहले बाहर नमाज पढ़ रहे थे, इशा की नमाज हमने बाहर पढ़ी थी, पर अभी जो है ना सर्दी महसूस हो रही है तो अभी सब जो है ना अंदर चलते हैं और अंदर नमाज अदा कर नमाज फजर अदा कर लिया। बट नन्हे मुन्ने बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि नमाज फजर में शामिल होते हैं। हेलो, कैसे? शाबाश। कल जो है ना यहाँ पर मिट्टी बनाई थी लेकिन मिट्टी हो गई थी कम, हमने कहा यहाँ नीचे नीचे से ना लग जाती है ना, क्योंकि एक दो बार फिर बारिश आ गई है तो पानी यहाँ से गुजरेगा, मिट्टी सारी नीचे से निकल जाएगी। ऐसे नहीं, नहीं तो ये खाली होता जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पर ये तो जान नहीं पाता हूँ, जब ठीक करती हूँ क्या सकता है आपके संग अलहमदिल्ला से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी माशाल्लाह से बहुत जो है ना प्यारी तरीके से बहुत छुट्टी है। अभी सूरज नहीं निकला, खैर टाइम जो है ना वो भाग रहा है कि बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है और उनमें सबने स्कूल भी जाना। अच्छा, अभी ना पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ना मट्टी गीली गीली हो जाती है, सुबह शबनम पड़ती है ना, लेकिन बड़ी खाला ने फिर भी पानी लगाया। अच्छा लगाती है, मट्टी नहीं होती। हाँ, देखिए और बड़े सुबह के बच्चे जो है ना घोड़े देख के नहीं नमाज पढ़ने के लिए गए थे वो तो मिल सकता है। और यहाँ पर ना रात को गए थे मैच देखने के लिए ना सब, इस वजह से तो फिर ये जो है बड़ी खाला ने सारा सामान आज बाहर निकाला हुआ है। हाँ, क्योंकि अंदर जो है ना सर्दियाँ अब आ रही हैं तो लिपाई हो रही है आपको। ये जो हमारे कच्चे ईंटों की होती है ना कोठियाँ, तो आग जलती रहती है तो ये जो इधर जो है नीचे ये खाली हो गई थी, जब वो पीछे जब पानी आ गया था बारिशें वगैरह होती है फिर पोली हो जाती है मट्टी। अभी जो है लिपाई की तो है लेकिन अभी बड़ी खाला फट गई, इधर आना फिर इसको फिर से लिपाई करेंगे। आपने ऐसे ही मट्टी खाली लिपाई की है? इसमें अब थोड़ी ऐड करते हैं या फिर वो अभी ऊपर थोड़ी ऐड थी, अभी थोड़ा ऊपर से हाथ लगाएंगे ना, एक हाथ ऊपर मारेंगे मिट्टी का। पता है क्या है, आप इसमें या थोड़ी ऐड करती ना आपकी मट्टी खराब नहीं होती, या इसमें वो जो होता है गोबर होता है ना मेरे ख्याल में, गोबर भी ऐड करते हैं उससे भी खराब नहीं होती। हाँ, हकीकत वो आती है नहीं, कुछ भी नहीं होता, मतलब एक दो पता क्या है। मेरा अबू, मेरी शादी हुई कितने साल, मेरे अबू इस्तेमाल नहीं करने देते, वो कहते थे नमाज जल्दी नहीं होती। अबू अबू कहता मेरा अबू,
ये भी है, ये भी बात आपकी ठीक है बिल्कुल। चले तोड़ी तो ऐड कर सकते हैं ना। हाँ वो तो ऐड, वो तो गंदम की होती है इसलिए। अभी से इधर देखो जी, रात को इसको बंद किया था उन्होंने, फिर से अपना दरवाजा खोल लिया है। ये चूहो मेरे ख्याल में ना चूहों की ऐसे बेल हो गई, पूरी बेल हो गई। चलें इस चूल्हे की बारी आ गई, अब जलने की। ये बेचारा इंतजार करता रहा है पूरा 6 महीने। सर्दियों को आते ही बड़ा मजा है, सच बताऊं। बिना गर्मी ना पसीना ना टेंशन, बहुत मजा आता है। मतलब के बच्चे सब एक ही जगह बैठे होते हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे आवाज आता है। लेकिन आप लोग दोपहर की टेंशन खत्म होती है सारी बात। दोपहर को रोटी नहीं बनाना पड़ती ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही बराबर एक टाइम खाते हैं। यानी खवातीन के लिए सर्दियाँ सही है। हाँ सर्दियाँ सही है हमारे लिए, तो वैसे सर्दियाँ सही है क्योंकि पीने वाला इलाका जो है। हाँ इसलिए जिस तरह इस साल में गर्मियां पड़ी है ना, कहते हैं कि सर्दियां भी इस साल में रिकॉर्ड कायम करेंगी। अल्लाह करे सर्दियां आ जाए, कोई टेंशन ना लाइट की होती है, कुछ की टेंशन नहीं होती, सुकून से अपनी जिंदगी जो है ना। पक्की दीवार होती तो कभी ना गल दे, कच्ची है ना तो इसीलिए सीढ़ी वगैरह भी लग जाती है ना। इसकी लिपाई भी कर देती ना, करते हैं मिट्टी आज इसको गीला करके इसको पूरा कर ले ना। ये तो बाहर का ना, बाहर का जल्दी सूख जाते हैं, अंदर का मसला होता है। जो साथ में जैसे मोर या चिड़िया बनाई हुई थी ना, वो अब हो गई है खत्म। किधर बनाई थी? हाँ वो देखिए यहाँ पे ना, अभी ये वाली जो लकड़ियाँ थी ना ये सारी खत्म होने वाली है, अभी ये वाली सर्दियों में जल जाएंगी। लेकिन कीड़ा लग गया ना नीचे, रहेगी नीचे बची हुई थी लकड़ियाँ, तोड़ के रखी नहीं थी रात को। इस टाइम जो है ना टाइम होता नहीं है, बहुत ज्यादा कम टाइम होता है जो है ना अपना काम कर। सुबह सुबह जी ट्रैफिक जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। मतलब सुबह सुबह सैर करने का मजा आता है। हम 2 दिन गए वॉक पे, तीसरे दिन फिर गए ही नहीं। 4 दिन गए थे। चलो 4 दिन, वही तो मैं कह रहा हूँ, 1-2 दिन गए। सच्ची बताऊँ वॉक पे ना मैंने एक ये सोचा है, उधर दूर जाने से अच्छा है ना कि ऐसे इधर से उतरे बंदा है उधर उन तक, उनकी जो कोठी है ना वहाँ तक जाए, फिर वहाँ से जहाँ तक। इतने दूर हम जाते कहाँ हैं, हम तो नजदीक जाते थे वहाँ से होते हुए वहाँ से। मुझे मुस्तफा का डर लगता है जिस वजह से मैंने रोका। मुस्तफा ना जाए साथ में, मुस्तफा जाता है फिर जिद करता है। कुछ नहीं होता मामी उसे, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम अपने साथ में लेके चलते हैं उसे, इसलिए कुछ भी नहीं होता। अभी से धुंध आसिफ भाई के घर आम भी हो रहे हैं, वो देखो आम का दरख्त भी हो रहा है। अच्छा अभी से धुंध पड़ना स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी। सर्दियां ऐसा समझ ले आई ये 10-15-20 दिन में ना, पता नहीं अब भट्टे का धुआं है या फिर वैसे ही नहीं, स्मोक है देखिए ना, स्मोक पड़ना शुरू हो गई है। मामी वो क्या चीज है? हाँ ये देखिए वहां पे, शायद पानी की वजह से या गीदड़ की है, वो घोर जो होती है नहीं, मुझे लगता है पानी की वजह से। हाँ पानी की वजह से। पानी की वजह से ये सारा टीला नीचे चला गया इस साइड से भी। कल खैरात की थी ना, बर्तन निकाले थे शाम को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी साफ करके रख दिए हैं कल, लेकिन अभी फिर इनको सुबह। हाँ और यहाँ पर पड़ी हुई है गंदम जो कल धोई थी, खुश्क हो गई है, बस थोड़ी थोड़ी रहती है। अली मामी ने लकड़ियाँ वगैरह तो रख ली हैं, अभी डब्बे
मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी है जो एक ही दफा ऐसे एक सीढ़ी लगाई तो और बस चलो नाश्ता बनाना। अभी ना डब्बे किस तरह उठा के रखती है, एक दफा जाएगी सब डब्बे उठा के टोकरे में जमा करूंगी कबो क्योंकि ना अभी आप बता रहे थे ना वो क्या है वहाँ पे जो खड्डा हो रहा है, मेरे जो ससुर था ना उसके ऐसे समझे बड़े मेरे ससुर ऐसे उनके चाचा समझ लो सिस्टर लोगों का बड़े चाचा की बेटी का खामन फौत हुआ है परसों वाले दिन, परसों वाले दिन वो बेचारे आए थे यहाँ पे अपने क्या कहते हैं विलेज में आए थे ऐसे घूमने फिरने के लिए, शादियां थी उन लोगों की ना क्योंकि वो गए हुए थे कराची काम करते वहीं पे। हाँ जी काम मजदूरी वगैरह बेचारे करते हैं तो वो यहाँ पे आए ना उसको ना सांप ने ना काटा है दस लिया हाँ। हाँ, उसको सांप ने काटा है तो उसकी जहर जो है ना पूरे जिस्म में फैल गई है जिसकी वजह से इलाज नहीं हो पाया तो बिल्कुल सही सलामत ऐसे आपको पता आया चश्मा वगैरह लगा के ऐसे बिल्कुल उस दिन तो बिल्कुल ठीक था, डॉक्टर सिस्टर के बेटे ने भी देखा तो फिर उसको सांप ने दस है पता नहीं बेचारा रात का कहीं निकला है क्या है क्या है। अब सांप ने यहीं पे डसा या यहीं पे डसा है या वहाँ से तो सही सलामत आया। अच्छा तो बस होते है ना मतलब के पता नहीं बेचारे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो बेचारा परसों वाले ने आपको पता है वो कौन उसके लिए भी आपने सबने दुआ करनी है अल्लाह पाक उसको जन्नत अल-फिरदौस में आला से आला मकाम अता करना, आमीन। अल्लाह पाक उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। तो ये भी बड़ा अब तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि जो है ना बच्चे रात को नीचे भी ना होते बहुत ज्यादा होता है जब वो कहते हैं ना सावन के मौसम में सांप बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और शबनम लेते हैं हाँ। फिर रात को बैठते हैं फिर सुबह दिन को भी धूप ही निकल आती है तो फिर ऊपर बैठे हुए ये हमने खुद ही देखा है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह फिर बहन भैया को दिखाएंगे कैसे यहाँ पे जोड़े जोड़े बैठे हुए होते हैं बिल्कुल डर लगता है बहुत ज्यादा बच्चों का ज्यादा डर लगता है इधर नीचे तो बहुत बड़ा सांप हाँ बहुत बड़ा रोजाना हम जा रहे होते हैं ना सुबह तो सड़क पे ना रास्ते पे वो उनकी लाइटें पड़ी होती हैं लाइटें से मुराद उनके यानी कि पांव के निशान पड़े पांव के और कितनी दफा तो अपनी आंखों के साथ देखा है सपने बिल्कुल बहुत ज्यादा फिदा जान जब ऊपर आ जाता तो उसने भी गुजरते हुए देखा लेकिन ये ना इंसान को खौफ भी इतना आता है वो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा सांप है वाकई। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई क्या हाल है, तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा ब्रदर लाइटें उतारनी है मस्जिद की ना काम करवाता मैं चलें जब भी आइएगा आज के दिन में ना लाइटें उतरवा दें यार कल पक्का ना चले ठीक है मेहरबानी शुक्रिया हाँ कल भी हाँ मैं भूल गया था लाइटें उतरवाने के बारे में क्योंकि अभी शबनम पड़ना शुरू हो गया रात को जलाते तो हैं हम बहरहाल इन्हें उतरवा के ना महफूज तरीके से उतरवा के रख लेते हैं फिर जब कोई इस्लामी इवेंट होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको लगाएंगे। शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रही लेकिन थोड़ी थोड़ी ना स्मोक छाई हुई है यहाँ पर नीचे लेकिन कैमरा उसको अवॉइड कर रहा है कैमरे में ठीक से नज़र नहीं आ रही है लेकिन नीचे स्मोक है दूर से कैमरे में नज़र आ रही है पर नीचे वाली यहाँ वाली इस साइड वाली नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे आप लोगों को ये स्मोक नज़र आ रही होगी ये देखें थोड़ी बहरहाल यहाँ पे बनी हुई है क्योंकि खला है ना उस साइड पे भी टीला है इस साइड पे भी टीला है हवा बंद हुई है तो ये स्मोक जो है ना ये दरमियान में यहीं ऐसे रुकी हुई है। खाना खा के अभी कर रहे हैं नाश्ता अभी जाना जल्दी जल्दी मामी ने चाय भी बना ली और चाय के बाद अभी नाश्ता बनाना भी स्टार्ट कर दिया मैं चला गया था फ्रेश होने के लिए मैं भी फ्रेश हो दूं तब तक जब तक मामी नाश्ता बनाती है आप भी नाश्ता कर लो हाँ और ना रेसिपी भी बनानी है आज सब बहन भैया ने ना तैबा के लिए बहुत सारी जो है ना दुआ करनी है लंबी जिंदगी के लिए आज तैबा हो गए माशाल्लाह से 3 साल हाँ आज बर्थडे मनाते हैं फिर तैबा हो गए 3 साल की और वो उसकी बर्थडे वो छोटी सी थी उसकी मनाते हैं क्योंकि ना वो हमारी प्यारी सी बहन है यूके से तो उन्हीं के वो अपनी बेटी बनाया हुआ है तो जब से पैदा हुई है ना तो उसकी बर्थडे जो है ना वो मनाती है
तो उनको उसको जो है ना परसों वाले दिन उसने मुझे बोल दिया था कि आपने जो है ना मेरी बेटी का बर्थडे बनाना है और आपने फिर ब्लॉग भी और वीडियो भी बनानी है ताकि जो है ना मेरे पास पास जो है ना वो पहुँच जाए। चलो तो आज मनाएंगे तैयबा का बर्थडे, दोपहर को मनाएंगे, आज रात को नहीं दोपहर को। हाँ दोपहर को, ठीक है ठीक है। हाँ बच्चे स्कूल से आएंगे, मुझे भी डेकोरेशन करते करते जो है ना वक्त लग जाएगा, वो जब तक आ जाएंगे। नानी अम्मा ये क्या है, ये क्या जी क्या? आज फिर नाश्ता चाय का किया है? अच्छा उन्होंने दिया तो आपने खा लिया है? आज पता नहीं कैसे अकेली नाश्ता कर रही है बैठ के सुकून से। आज किसी ने आपको खाना नहीं खिलाया? आज अकेले नाश्ता कर रही हो? आज कल ही नाश्ता करें दी भाई। हाँ ताए वो अच्छा मैं भी नाश्ता करा नाल तेरे ना करा अद्धा पापा मेरे को दे चा इधर देखी इधर देखी बोलती है कि आपसे ना गिर जाएगा, आपसे नहीं गिरेगा। मैंने इससे ना इस सांप से इसको काफी ज्यादा डराने की कोशिश की है, ये फेक सांप है लेकिन ये डरी नहीं है। आयत जो है ना वो डर जाती है। तब तू ना डर दी देख लो, इतनी लेट नाश्ता कर रहे हैं क्यों? ये दवाई चाहिए फिर इसे। अच्छा मेरा सेट नहीं हुआ अभी तक, खाता रहता हूँ। मैदे वाली होगी खत्म तो फिर ये जो है ना ये भी मैदे का कैप्सूल है यहीं से मंगवा के, तो फिर ये खाना जरूरी है। मैदे वाला अगर ना खाए तो फिर नहीं, मतलब रोटी जो है ना ऊपर तेजाबियत करती है। चलें बर्थडे किस टाइम है, कितने बजे रख रही? 1 बजे तक नमाज के बाद। ठीक है चलो रात के 1 बजे? नहीं नहीं दोपहर के। शाम का होना चाहिए? शाम का नहीं होना चाहिए, फिर मुझे काम है बहुत ज्यादा। डर जाएगा ये भी। थैंक दो मुझे तो कल से अच्छे नहीं लगते ऐसी चीजें ना, मतलब के ऐसी चीजें ये क्या इसमें जान थोड़ी आ जाएगी। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह चाहे तो कर सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो। आज देखा ना पकड़ा गया मामू मामी के बगैर रोटी खा रहा है। मैंने तो बुलाया इसको। आज आपने पहले नाश्ता कर लिया क्या? नहीं किया मैंने, रात को भी रोटी नहीं की, अभी भी तलब नहीं है खाना खाऊं, पता नहीं क्या है। असल धूप में काम कार करके ना भूख मर जाती है, चाय पी लेती है ना सुबह, ये वाला काम खराब नहीं है। एक कप चाय पी, साथ में मैंने पापे बिस्किट नहीं खाए, सर में दर्द बहुत ज्यादा थी, बस चाय पी है। वाह आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज ले आऊं आपके लिए? क्या कहती है? कहती है मैंने आपकी शादी पे ना बिंदिया लगानी है, वो उठाने। अच्छा गाल सुन मैं तेरे वास्ते क्या कहना वा? फूफो वास्ते केन की दिया, मेरे वास्ते केन की दिया, केन शेन कह नहीं कोई बड़ी चीज दस। उस दिन होगी थी रात तो हमने ना डंडे वंडे रखवा दिए थे क्योंकि यहाँ पर ना एक खतरनाक सांप फिर रहा है, तो मैंने भाई लोगों को बोला था कि आप लोग ना आ जाएं वापस घर। तो आज जो है ना फिर से इसको सेट कर रहे हैं, इसको ऊंचा करके सेट करेंगे ताकि जो है ना शाम तक ये मतलब शाम तक के हम रात के बल्कि यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह जाए, कोई ट्रैक्टर वगैरह जाए तो उसको वायर वगैरह ना लगे, तो ऊंचा करके इसको लगाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैं जा रहा हूँ अभी अड्डे पे और अड्डे से लेने के लिए जा रहा हूँ तैयबा के लिए कोई प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट, और गिफ्ट पैक करवा के लेके आता हूँ क्योंकि बर्थडे है आज तैयबा की, तो उनको उसको देंगे। अभी तैयबा के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आया हुआ हूँ और ये उसकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने ये वाला गिफ्ट जो है ना वो सिलेक्ट किया है। हाँ बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, मतलब उसके एजुकेशन पर्पज़ को लेके यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अरबी उर्दू, यहाँ पर LED भी है, और उसके बाद ये देखें ये अभी अलिफ अभी इंग्लिश में चेंज कर दिया तो अभी अरबी में इसी तरह मतलब अल हर्फ हर्फ अलिफ
तो मतलब इस चीज़ों में आप अगर कोई कहानी सुननी तो कहानी भी दुआ भी सुन सकते हैं। तो ये एक बेस्ट गिफ्ट है जो मैंने के सिलेक्ट किया है, तो ये उसके एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ख़रीदा है। इसको पैक करवाते हैं यहाँ पर ताकि उसे एक बर्थडे गिफ्ट भी हो और उसका एजुकेशन पर्पस के लिए भी बेहतरीन। अभी ये ऑफ हो गया, नहीं बीच में जूस डाल के पिलाना है। आप जूस पीती हो, दूध नहीं पीती? हाँ इधर देखो, दूध नहीं पीती? ये सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। हाँ मैं क्या बता, अड्डे से भी होके वापस आ गया हूँ, तो अभी ढेर सारा काम करना है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।